गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि ट्रायंगल का एरिया होता क्या बेसिकली, और पेपर के अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस आएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इवन फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, और हमें पता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग देखते होंगे जब एनटीएससी का क्वेश्चन आता है या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आता है, तो बेटा इतना ईजी नहीं होता वो, ठीक है। वो क्यों नहीं हो पाता इजी, क्योंकि हमें जो बेसिक चीजें सीखी होती है बेटा वही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन जब आए, क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो चेंज हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा कौन से फॉर्मूलाज कहाँ लगाएं, क्लियर। तो यही हम आज चीज सीखेंगे बेटा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्लियर। फिर हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे, क्लियर। तो देखो बेटा, मैं पहले से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका क्या मतलब हुआ ये समझिए बेटा। तो बच्चा कहें सर ये भी वही फॉर्मूला हुआ, ये भी वही फॉर्मूला हुआ, फिर एक ही लगा लें हम फॉर्मूला, फिर इतने फॉर्मूला सीखने की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए बेटा, जरूरत नहीं, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं रहेगा कि आपको बेस भी दे देगा और हाइट भी दे देगा। अगर यही सब दे दे फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो सिक्स का बच्चा भी कर लेगा, हम भी कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही क्वेश्चन दे और आपको चेंज कर करके देता बेटा, ठीक है। तो देख बेटा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना होता है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक बातें स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक बातों से वो सीखेगा बेटा। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है ये समझिए सबसे पहले, बेस इंटू हाइट। आपको पता है बेटा ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट दोनों रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अगर मैं बीसी को हाइट बेस मानता हूँ बेटा, तो जो इसकी हाइट आएगी बेटा पता है आपको, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा अपोजिट वर्टेक्स से, ये इसकी हाइट का काम करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखूं बेटा, तो ये लिखूंगा हाफ इंटू बीसी को अगर मैं ए मान रहा हूँ, क्या मान रहा था बेटा ए, तो देखिए ए इंटू हाइट एच मान लिया, एच वन मान लिया, क्लियर, समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जरूरी नहीं है बेटा आपको यही हाइट दे रखी हो सकता है आपको ये हाइट दे दे, क्लियर। और इसको मान लीजिए मैंने एच टू मान लिया, क्या मान लिया एच टू मान लिया। तो बेटा देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा, हाफ इंटू, अब बेस का काम बेटा क्या करेगा एसी करेगा, क्लियर, क्योंकि हाइट ही दे दी ना, तो बेस का काम क्या करेगा बेटा एसी करेगा। तो हाफ इंटू बी इंटू एच टू, क्लियर। ऐसे बेटा अगर मैं बेस ये ले लूँ सी, तो परपेंडिकुलर कुछ इस साइड से चला जाएगा, तो ये एच थ्री काम करेगा, इसलिए हाइट का काम, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बेटा हाफ इंटू सी इंटू एच थ्री, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई कि बेस और हाइट को किस तरीके से आपको लेना है पेपर के अंदर, समझ में आ गया। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला का यूज होता है, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहिए हीरोन फॉर्मूला बेटा हम तब यूज करते हैं जब ट्रायंगल की तीनों साइड दे दे वो हमें, ठीक है ना। तीनों साइड अगर हमें दे दे बेटा ए बी और सी, तो हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे देखिए, अगर उसमें क्या फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है बेटा सेमी पैरामीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, बाई टू करते तो सेमी पैरामीटर हो गया, ये हीरोन फॉर्मूला हो गया, क्लियर। मोस्टली स्केलर ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं बेटा इसको, क्लियर। अब देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला बेटा आपको सीखना जरूरी हो गया, क्लियर। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा तो थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चे को, है भाई फॉर्मूला जो आप सीख के आते हैं कैसे। देखिए बेटा मान लीजिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी होती है, पहले इसी फॉर्मूला को समझिए फिर मैं बताता हूँ क्या बात है। देखिए ए बी सी ट्रायंगल दे रखी आपको, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं पता बेटा, देखिए ये नहीं पता आपको कुछ भी, क्लियर। ये आपको तीनों साइड मान लीजिए कोई दो साइड दे दी, कोई भी दो साइड दे दी, मैंने तीनों साइड मान ली, पर समझिए इस चीज को। मान लीजिए मेरे को बी और ये सी साइड दे दी, क्लियर, ये और ये साइड पता है, तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। देखिए बेटा इन दोनों साइड का कंजुगेटिव जो साइड्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट हाफ इंटू कंजुगेटिव साइड्स का प्रोडक्ट इंटू उनके बीच का जो एंगल है बेटा उसका साइन ले लीजिए साइन ए, क्लियर। ऐसे बेटा देखिए मान लीजिए आपको बी और ए पता होता, ये दोनों साइड दे देता, तो हाफ इंटू दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इंटू बीच वाला जो एंगल है बेटा इनके बीच में उसका साइन ले लेता, देखो साइन सी कर दिया, क्लियर। अब यहां देखिए हाफ इंटू ए इंटू सी, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या बेटा बी, उसका क्या ले लिया साइन ले लिया, क्लियर। अब ये फॉर्मूला देखो बेटा है क्या, इसी का देखो बेटा रोल यूज की जाती है कैसे, देखिए मान लीजिए 90 है ये ए बी और ये सी, सी के सामने मान लीजिए मैंने सी मान ली स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, मान लीजिए आपको ये दोनों साइड पता है, हम कहते थे राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम इसको मान लेते हैं ए इसको सी, ये हम सो देते हैं,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है बेटा, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें तो पता था बेटा ए और सी इनके बीच का जो एंगल है बेटा उसका साइन आता है, तो एंगल क्या था 90। अब साइन 90 क्या होता है 1, इसलिए बेटा जब 1 होता है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ इंटू ए इंटू सी। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखो हम इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, देखिए बेटा अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन करके देखते हैं, हम एक जनरल क्वेश्चन करते हैं और उसकी एप्लीकेशन का हम यूज करेंगे बेटा जब बाकी क्वेश्चन करेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, कह रहा है कोई ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या दे दी कोई आपको ट्रायंगल दे दी बेटा, जिसकी साइड्स दे दी आपको ए, मतलब इस कैपिटल ए जो वर्टेक्स ए इसके सामने वाली ए मान ली मैंने, ठीक है, बी के सामने वाली बी मान ली और सी के सामने वाली सी मान ली। क्लियर, कह रही है ट्रायंगल दे दी, ठीक है, कह रहे हैं इस ट्रायंगल की जो साइड्स है ना वो उसने के टाइम्स कर दी, सारी साइड क्या कर दी के टाइम्स, ठीक है, और के बेटा 1 से बड़ा है। क्लियर, के क्या है 1 से ग्रेटर, ठीक है, लेस देन का भी केस करवाऊं पहले, ग्रेटर देन का केस समझ, कह रहे के ग्रेटर देन 1 है, तो कह रहे बताओ अब पहले ये समझिए अगर साइड्स को अगर मैंने बढ़ा दिया बेटा, साइड डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया कितने गुणा कर दी के टाइम्स कर दी, बट ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो एरिया आएगा और इसमें जो एरिया आएगा बेटा उसमें ये एरिया ज्यादा रहेगा। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई। वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, क्लियर, कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट एरिया बढ़ गया। क्लियर, अब समझिए देखो क्या कर रहे हैं, ये साइंस आपको गिवन है। क्लियर, तो देखिए बेटा मैं सेमी पैरामीटर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ सेमी पैरामीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस मान दिया मैंने उसको, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी उसका रूट। क्लियर, ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ देखिए अब ये ट्रायंगल बन गई आपके पास ए डैश बी डैश और सी डैश। क्लियर, अब देखिए बेटा इसकी साइड के सी के बी और के ए, मैंने इसका सेमी पैरामीटर मान लिया एस वन, तो के को मना लिया के ए प्लस के बी प्लस के सी बाई टू आएगा, के को मना गया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बन गया। क्लियर, अब देखो बेटा को तो वो गिवन है ना, एस तो उसका तो हिसाब पता ही है बेटा, मैं वो एस रख दूंगी, इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा एस ही तो है ये के इंटू एस। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इसका एरिया निकाल रहा हूँ डेल्टा वन, उसका एरिया मैंने मान लिया बेटा क्या मान लिया डेल्टा मान लिया। क्लियर, सुन आएगी, तो देखिए एस वन इंटू एस वन माइनस के ए, क्योंकि साइड तो के ए है ना, इंटू एस एस वन माइनस के बी इंटू एस वन माइनस के सी। क्लियर, अब देखो एस वन की वैल्यू क्या बेटा के एस, मैंने के एस पुट कर दी, तो के एस यहाँ पुट कर दी, के एस यहाँ के एस यहाँ। क्लियर, अब देखो बेटा यहाँ से देखो के कॉमन आएगा इन दोनों से, इन दोनों से के कॉमन आएगा, इन दोनों से के कॉमन आ गया, के कॉमन ले लिया बेटा। अब देखो के कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है, तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा उससे, के स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो बेटा एरिया क्या है के स्क्वायर इंटू डेल्टा, यानी कि जितने गुना आपने साइड की थी, जितने गुना आपने साइड की थी, ठीक है ना, उसका स्क्वायर हो गया बेटा। देखो के टाइम्स की थी के स्क्वायर इंटू जो ओरिजिनल एरिया था बेटा, देखो उतना मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया। क्लियर, अगर मैंने 2 टाइम्स की होती इसकी साइड 2 सी 2, तो बेटा कितना टाइम्स एरिया हो जाता 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4 होता। तब आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर उसकी साइड कुछ दे रखी हो और दूसरी ट्रायंगल आपको बढ़ा दे कि भाई उसकी साइड जो हमने 5 टाइम्स कर दी, क्या कर दी 5 टाइम्स, तो बताओ नया एरिया है वो ओरिजिनल एरिया कितना टाइम्स आया, तो हमें 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो क्वेश्चन समझिए बेटा परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कैसे निकालते बेटा, देखो डेल्टा वन ये तो ज्यादा एरिया है, ज्यादा वाले में से कम घटा, तो मतलब इतना तो इंक्रीज हुआ है, तो डेल्टा वन में से डेल्टा घटा दिया बेटा, इतना तो इंक्रीज हुआ। अब किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ बेटा, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ, ये बात समझ में आई, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो देखिए डेल्टा वन माइनस डेल्टा। क्लियर, तो देखिए बेटा तो के स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये तो माइनस डेल्टा, डेल्टा को मान लिया बेटा के स्क्वायर माइनस वन, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, इतना के स्क्वायर माइनस 1% इंक्रीज होता है। क्लियर, यानी कि अगर वो आपसे क्वेश्चन इंटू 100 हो रहा है बेटा, ठीक है ना, परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 और कर लीजिए, इंटू 100%। क्लियर, ये बात समझिए, अब समझिए इस चीज को कि हो क्या रहा है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैंने साइड को 2 टाइम्स कर दिया, कितने टाइम्स कर दिया 2 टाइम्स, तो बताओ कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हो गया, तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया, 3 इंटू 100 टाइम्स क्या हो गया बेटा वो 300% इंक्रीज हो गया।
समझ में आया 300% इंक्रीज हो, कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, अगर आपको ओरिजिनल ट्रेनिंग की साइज देते ए बी सी कुछ भी देते बेटा आपके लिए और कहे उसको के टाइम्स इसने इंक्रीज कर दिया, के टाइम्स के ग्रेटर देन 1, तो कह रहे बताओ कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हो गया। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए के स्क्वायर माइनस 1 × 100 इतने परसेंट इंक्रीज हो गया। देखिए क्वेश्चन करो तो मैं जी, ये कोई ट्रायंगल बेटा ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड मैंने इंक्रीज कर दी बेटा 4 times इंक्रीज कर दी, 4 times ठीक है। हम लोग फटाफट बेटा तुरंत आंसर करके देख, मन मन तुरंत काउंट कीजिए बेटा ठीक है। तो अब मैं तुरंत देखूं बेटा k की वैल्यू क्या होगी, 4 ठीक है, k की वैल्यू 4 होगी बेटा। देखिए k स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 है, तो ये आना है बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 इतने परसेंट बेटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आपको ये बात समझ में जानी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, क्लियर? समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा कह रहे एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी क्या कोई ट्रायंगल है, कह रहे एडी कोई लाइन है बेटा, मेरे को नहीं पता मीडियन है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, एडी कोई भी कोई लाइन है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तो कह रहा है ये बताओ कि ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एसीडी ठीक है, कह रहे इसका रेशियो बताओ क्या आएगा, इसका रेशियो बताइए क्या है, किस रेशियो में आएगा ठीक है, मेन काम यही है निकालते हैं किस रेशियो में आएगा ठीक है। तब देख बेटा एरिया जो निकालते बेटा क्या होता है, उसमें बेस इनटू हाइट की जरूरत पड़ती है, क्लियर? अब समझिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्लियर? मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर? तब समझिए बेटा देखिए क्या होता है। तो अगर मैं ये देखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू क्या होगा, देखो बेटा वहां से हाफ इंटू बेस बीडी ले लो, बेस क्या हो गया बीडी हो गया क्लियर, इंटू हाइट ए एम, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर? अच्छा इसके नीचे क्या बेटा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इस साइड पर ट्रायंगल हो गई बेटा, तो इसके नीचे देखो हाफ इंटू बेस, अगर मैं सी डी ले लू, ये अगर बेटा बेस ले लू मैं तो बेटा देखो हाइट तो यही है ना ए एम, क्लियर? अरे इसको आगे बढ़ा दे तो हाइट तो यही होगी ना ठीक है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो हाफ इंटू ए एम, क्लियर? तो ध्यान से देखना बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, ए एम से ए एम कैंसिल, यानी कि अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी का रेशियो क्या आया, तो अब ये कहेंगे बी डी अपॉन सी डी, यानी कि मैं ये कहूं बेटा कि अगर ये दो ट्रायंगल्स थी मेरे पास ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स थी, अब मान लीजिए मैं इसको भूल रहा हूँ, इसको मान लीजिए भूल जाइए थोड़ी देर, ये खत्म हो गया, अब मेरे को इसको याद नहीं करना बार बार ठीक है ना, ये छोटी क्लास में बहुत कर लिया हम लोगों ने, अब हमें ये नहीं करना, अब हमने सीखा क्यों है उसको देखो अप्लाई कैसे करेंगे वो समझना है हमको। देखिए बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स का अगर मैं एरिया की बात करूँ, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की बात करूँ बेटा, तो इन दोनों का एरिया जो आएगा बेटा तो देखो इनके बेस के रेशियो के हिसाब से आएगा बेटा, देखो बी डी रेशियो सी डी, यानी कि इसका जो बेस है बेटा और इसका जो बेस है उन दोनों का रेशियो तो आया है, बात क्लियर होगी? समझ में आ गया, यानी कि इसी चीज को मैं ऐसे देख सकता हूँ बेटा कि अगर अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ए डी क्या होती है बेटा मीडियन होती, क्या होती मीडियन, मीडियन होती तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती, समझ में आ गया, ए डी क्या होती बेटा मीडियन होती, मीडियन होती तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती, तो यानी कि मैं ये निकाल दूँ बी डी वाई जीरो सी डी ठीक है, दोनों इक्वल है तो 1:1 आ जाता है, यानी कि दोनों के लिए क्या होता है इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ कर दूंगा मैं, मीडियन ड्रॉ करते बेटा दोनों पार्ट्स को बराबर भाग में डिवाइड करेगी बेटा, ये बात आपको क्या करनी है बेटा याद रखनी है, कैसे करेगी वो मैंने आपको अभी सिखाया है, क्लियर? तो देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे समझने का, मान लीजिए उसने ये दे दिया कि एडी जो है बेटा वो मीडियन है, क्या है मीडियन, क्लियर? एडी क्या है मीडियन है ठीक है, और कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी 20 cm² दे रखा है, 20 cm², अगर बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना आएगा, ठीक है ये पूछा उसने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, सिर्फ अप्लाई करेंगे बेटा, ये 20 है और ये मीडियन का काम कर रहा है तो ये भी 20 हो गया ठीक है, तो 20 + 20 कितना आ गया बेटा 40, समझ में आ गई कि नहीं आ गया, क्लियर? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो बेटा आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता, क्लियर? समझ में आ गया, अब इससे बेटा लेवल का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं करना ठीक है। देखिए बेटा देखिए
ये अपने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये आपका पेपर में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको फिगर बना के दे दिया उसने, ठीक है, और कह रहे बीटी को लाइन ड्रॉ कर दी, कैसे कर दी ये मेरे को नहीं पता किस टाइप से कर दी, क्लियर, उसने बीटी को लाइन ड्रॉ कर दी, तो कह रहे बताओ जो बीटी है ना बीटी उसकी लेंथ बताओ, ये 5 दे दी, 12 दे दी, अरे बीटी की लेंथ बताओ, ठीक है। अब देख बेटा ये तो आपको पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनी होगी, 60 और 30 आपको नजर आ रहा होगा तो 90 बन गया होगा, तो 90 रहा होगा ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये बात क्लियर होगी। अब समझ जाओ क्या निकालने बेटा, लेंथ ऑफ बीटी। अब बच्चा दिमाग घूम जाता है बच्चे का कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, पेपर में उसको कुछ समझ में नहीं आता बेटा, पेपर में समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस को बेटा एक साथ नहीं पढ़ता, ठीक है, उसको तो वही फॉर्मूला याद होते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। आपको आप सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज्यादा बेटा आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं देखिए मेरे दिमाग में क्या पता है, वो मैं समझाता हूँ, मेरे को बीटी निकालना है बेटा, ये आपको निकालना है, क्लियर, ये बात समझेंगे। तो मैं सोचूंगा कि अगर मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया करूँ, चाहे मैं इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया जोड़ दूँ, एक ही तो बात है, बात समझ में आ गई, यानी कि मैं ये कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है बेटे यहाँ तक, अरे दोनों का एरिया अलग अलग ऐड कर दिया टोटल पर निकाल दिया, एक ही बात हुई बेटा। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी देखो बेटा हाफ इंटू, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूँ तो 12 × 5, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो बेटा हाफ इंटू एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी निकालना बेटा, ठीक है, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लू इसको एक्स, ठीक है, समझाएंगे। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग किया था, मैंने जब बेसिक बताया था बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, तो मैंने बताया था अगर दो कंजुगेटिव साइड्स हों और उनके बीच का एंगल पता हो तो कैसे एरिया निकालते, बताया था बेटा। तो देखिए हाफ इंटू फाइव इंटू एक्स निकालना बेटा, तो उसको एक्स मान लिया मैंने, क्लियर, बीच का एंगल कितना है 60, तो साइन 60, कोई दिक्कत बेटा। अब देख बेटा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, देख बेटा ये साइड पता है आपको 12, ये एक्स मान रखी है, दोनों के बीच का एंगल पता है आपको 30, तो देखिए हाफ 12 × x, बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हाफ को मान लेंगे तो देखो हाफ हाफ और हाफ क्या हो गया कैंसिल, देखिए ये 60 हो गया बेटा, और देखिए 5 × x ये कितना हो गया 3/2, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है बेटा, देखिए 12 × x की वैल्यू, ये एक्स इंटू बेटा देखो एंगल के बीच में आया कितना साइन 30, क्लियर, तो 12 × x साइन 30 कितना 1/2, क्लियर, ये इससे कैंसिल, क्लियर, ये बात समझ में आ गई बेटा। तो 60 = x को मान लीजिए बेटा 5/2√3 प्लस का 6, क्लियर, तो देख 60 = x × 5√3 प्लस 12/2, तो x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120/5√3 प्लस 12, इसको बेटा रेशनलाइजेशन कर लीजिए, चाहे आपका ऑप्शन ये होता तो मैं इसको टिक कर देता, आपके पास x की जो वैल्यू निकाल देते बेटा, यानी बीटी जो निकालना था वो आपके पास आ चुका है, समझ में आ गया, क्लियर। इस क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये हाफ इंटू अगर दो कंजुगेटिव साइड्स हैं आपके पास तो उनका प्रोडक्ट इंटू उनके बीच वाला जो एंगल है ना उसका साइन लेना है आपको, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको सारी, ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर वो समझिएगा बेटा। देखिए कह रहे ए बी सी कोई ट्रायंगल बेटा, बी में कोई लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल नहीं दे रखा, ठीक है ना, कभी मन से पैरेलल मान लो इसको, पैरेलल नहीं की मैंने, ठीक है, बी कोई लाइन दे रखी, कह रहे इस तरीके से एडी लाइन कि AD:DB कितना है 3:2, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको 3x मान लूँ तो ये कितना हो गया 2x, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर, यानी कि मैं इसको टोटल मान लूँ तो बेटा ये 5x हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ मेरे को, ये बताओ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें आया बेटा देखो AE:EC, ए कितना है 5, इसको 5y मान लो, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा 7y, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 12y, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखना बेटा उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अरे ADE ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, AD देखो कहाँ पे है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल है, ठीक है, तो देखो बेटा
मेरे को तो दोनों साइड्स पता है, इसकी कंजुगेटिव साइड देखो 3x और 5y, तो देखो हाफ इंटू 3x इंटू 5y, कोई दिक्कत? ठीक है, और देखो बीच वाला एंगल क्या है, ए, तो उसका क्या ले लीजिए साइन, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो देखो हाफ इंटू कंजुगेटिव साइड देखो बेटा, एक तो एबी पूरा कितना है 5x, और इधर कितना है 12y, तो 5x इंटू 12y इंटू देखो बेटा इंटू बीच का एंगल क्या है ए ही है, देखो इन दोनों बीच का एंगल तो ए ही है ना, इसका साइन ले लिया, कोई दिक्कत इसी को, देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, और फाइव से फाइव कैंसिल, एंड 3/12 यानी कि 1/4, तो रेशो आएगा 1:4। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन वो आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ध्यान देना, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेरे को ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी। अब बच्चे का बेटा दिमाग ही घूम जाता है कि बी डी ई सी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालू मैं, अरे निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा, अगर इसका एरिया एक है तो टोटल का एरिया कितना आया 4, यही तो आया है 4, इसका कितना रह गया होगा 3, तो अगर मैं ये पूछ सकता तो मैं 1/3 आंसर कर देता, समझ में आ गया, क्लियर? वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अब बी डी सी का एरिया 3 हिस्सा है इसका तो 3, और इसका हिस्सा तो 4 है बेटा 4, समझ में आया बेटा? तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो मेरे को पता है कि मेरे को क्वेश्चन कैसे करने हैं, समझ में आ गया? ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं हटकेगा, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए बेटा अगर मेरे को कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को दे दे बेटा, और कहीं बताओ इसकी साइड्स किस रेशियो में आएंगी, किस रेशियो में आएंगी, ठीक है, तो बेटा देखिए अब निकालने को आप ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है पेपर में कि मैं इतना सोचूंगा, ठीक है ना, पेपर के अंदर मेरे को रिजल्ट डायरेक्ट याद होने चाहिए बेटा, ठीक है, याद रहेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में, बाकी बच्चे से आप आगे हो जाएंगे, ठीक है, आपको भी आता है अगले भी आता है, लेकिन टाइम बचाने का तरीका हो गया बेटा, टाइम आपके पास है आप बचा लेंगे बेटा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, तो किस तरीके से इसको यूज करना है वो समझाता हूँ, देखिए जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए नजर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 आएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा कि जो 30 के सामने वाली साइड, 30 के सामने वाली साइड अगर एक है, कितनी आएगी एक, मान ली एक्स वाई जेड कुछ भी आएगी, ठीक है, तो 90 के सामने वाली जो साइड आएगी ना वो उसका 2 टाइम आएगी यानी डबल होगी, समझ में आ गया, और जो 60 के सामने वाली साइड आएगी ना वो इस 30 वाली साइड का √3 टाइम जाएगी, √3 यानी कि अगर वो साइड्स पूछे मेरे से बेटा BC रेशियो AB रेशियो AC, तो देखो बेटा BC तो देखो बेटा अगर किसके सामने आ रही है 30 के सामने, तो अगर ये एक आई तो AB कितना है बेटा, AB देखो 60 के सामने आ रही है तो कितना √3 टाइम जाएगा इसका, और ये कितना आएगा बेटा 2 टाइम जाएगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल करके समझाता हूँ बेटा, मान लीजिए उसने ये दे दिया 30 की BC दे दिया उसने 2 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर, फाइंड AC, क्लियर, आप बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री निकाल लें लगा लेंगे आ जाएगा आंसर, लेकिन मेरे को पता है बेटा AC जो होता है बेटा वो जो 30 वाले AC किसके सामने बेटा 90 के सामने है, ठीक है, वो 30 वाले साइड के सामने 30 एंगल वाली साइड के सामने का डबल होता है, क्या होता है उसका डबल, तो ये 2 है बेटा ये 4 आना है, कितना आना है 4 आना है, समझ में आ गया, क्लियर, कैसे आएगा वो भी समझिए, देखिए मान लीजिए ट्रायंगल ये दे रखे आपको, ये 2 दे रखे बेटा, ठीक है, ये 90 है, ये 60 और ये 30, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया, तो देखिए बेटा अगर मैं इसके सामने देखूं परपेंडिकुलर पता है मेरे को और क्या चाहिए हाइपोटेनस, तो मैं साइन 30 लगा दूं बेटा, देखिए क्या होगा 2/AC बन जाएगा, ये ए है ये सी है, तो ठीक है, तो देखिए साइन 30 कितना 1/2 2/AC, तो AC कितना है बेटा 4, देखिए यहाँ तक आप सोल्व करके करेंगे 4 तक आएंगे, और मेरे को अगर छोटा सा रिजल्ट याद है मेरे को रिजल्ट याद है बेटा मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, ठीक है ना, बाकी बच्चे से मैं वैसे ही एडवांस हो जाऊंगा आगे हो जाऊंगा, ठीक है, क्लियर, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन, देखिए बेटा क्वेश्चन समझिए,
एरिया सॉरी इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी दे रखा आपको 60, सी दे रखा 45, ए बी दे रखा आपको 12, कहना फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए साइड देख बेटा आपको ये दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, आपको कुछ नहीं पता, आपको कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वही होता क्या है, कुल मिला के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है कुल मिला के, आपको पता भी यही होना होता है एरिया, ठीक है। या फिर आपको दो कंजुगेटिव साइड्स पता हो, वो आपको पता ही नहीं है, निकालेंगे कैसे, नहीं पता ना दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए यानी कुल मिला के एरिया यही निकालना है, यानी कि आपको हाइट चाहिए बेटा, क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब देखो हाइट जितना पता नहीं ड्रॉ कर दिया, क्या करते बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एम करते ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान देना बेटा परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो ये 90 का हो गया, अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये 90 हो गया, ठीक है 90 का हो गया, अरे 90 ये 60 ये, ये कितना रह गया 30, नहीं समझ में आया, अरे बोलो तो 30 60 90 की अभी ट्रेंगल बताई थी आपको, बताई थी कि नहीं बताई थी, क्लियर। तो देखिए 90 के सामने जो अगर 12 है, 90 के सामने अगर 12 है तो 30 के सामने जो आएगा बेटा इसका हाफ आएगा, तो ये 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे 30 के सामने जो आता है उसका डबल बनता है ये, अगर ये 12 है तो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात बताओ मेरे को, क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अगर ये 6 है तो बेटा देखो ये आपके पास पता है बेटा इसका रूट 3 टाइम बनता है, 60 के सामने जो बनता है वो क्या बनता है, रूट 3 टाइम होता है। तो बेटा देखिए इसको मैं क्या करता हूँ 6√3, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखिए ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 रहा कि नहीं रहा, बोलो। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाते हैं बेटा उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। अगर 45 के सामने 6√3 है तो ये भी कितना रहेगा, 6√3, बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बेटा। अब आपके पास सारी साइड्स आ चुकी हैं, सारी साइड्स आ चुकी हैं, मैं तो एरिया निकालता बेटा, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए बेटा क्या है, बेस मैं देखो 6+6√3 हो गया बीसी, अरे 6+6√3, और हाइट की बात करो तो देखो 6√3, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये इससे कितना हो गया, 3 पे कैंसिल हो गया, 6 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 6√3 × 3√3, क्लियर, 6 × 18 और √3 को मल्टीप्लाई करो तो √3 + 3 हो जाएगा, क्लियर, ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। तो आपको बेटा समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को करते कहते हैं, ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाता है बेटा, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है, जो अभी कॉन्सेप्ट से काम से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझिए। कह रहा है ई जो है ना, ई है मिड पॉइंट है किसका, 80 का, यानी कि 80 का क्या है मिड पॉइंट, यानी ये इसका और ये इसका दोनों क्या है इक्वल है, अरे मिड पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बीडी का रेशियो पूछ रहा है, अब एरिया का रेशियो पूछ रहा है और मीडियन की बात कर रहा है बेटा, तो आपको पता चल गया होगा बेटा तुरंत कॉन्सेप्ट में कि जो मीडियन होती है बेटा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है एरिया ट्रायंगल को, ठीक है ना, दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो अगर इसका एरिया वन यूनिट मान लो तो बेटा इसका भी वन यूनिट हो गया, ये बात आपको समझ में आई, क्लियर क्लियर। अब देखिए बेटा वो कह रहा है 80 इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कि जो 80 है ना वो एबीसी का मीडियन है, तो इसका मतलब जितना पार्ट इस साइड है उतना इस साइड होगा, तो इस साइड बेटा 1+1 2 यूनिट है, तो बेटा इस साइड कितना रह गया 2 यूनिट रह गया, और बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अब देखो क्या पूछ रहे हो आपसे, कह रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी का अगर मैं एरिया देखूं बेटा तो एबीसी का तो 1+1+2 4 हो गया, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी बीईडी तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 4:1, ठीक है। अगर बीईडी अपॉन एबीसी पूछता तो 1:4 हो जाता, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए बेटा तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बेटा इनको करने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। फिर आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं टेस्टिंग में, आपके जो भी क्वेश्चन है किसी भी बुक में है, एलएम में चाहे रेजोनेंस में है चाहे किसी भी बुक में हो, ठीक है, आप बेटा उनको सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत आए मेरे से पूछिए बेटा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना जरूर बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।